जिला रतनपुरा बाजार में पहुंचे हैं। यहाँ इतना भीड़ है, भीड़ को देख करके लग रहा है कि दगरी फेल हो जाएगा। इतना भीड़ है, श्रद्धालुओं अपने श्रद्धा को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रद्धा को नहीं शौक से, और शौक और श्रद्धा में अंतर दिखाएंगे इस वीडियो स्क्रीन पर। आप बने रहेंगे, कुछ यहाँ लोग हैं उनसे भी बात कराएंगे। ये छठ पर्व कब से चालू है और छठ पर्व क्या है? एक महात्मा जी लाल रंग के सामान लिए, इनसे पूछेंगे भैया ये भी छठ में लगता है क्या? क्या नाम होगा, नाम बताइए। बाबा राम लाल सिंह वाले। घर कहाँ है? जिला गोंडा। गोंडा से आए हैं? यहाँ आए हैं कि यहाँ रहते हैं? गोंडा से आए। क्या क्या है? संदूर है, रंग दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सिंदूर है, रंग है, हिंगबत्ती है, गुरमा है, दिखाइए तो। चंदन है, रोज़ है। ये देखिए, इनके कहने का मतलब ये भी छठ माता को लगता है। मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण चीज भी है। और आइए, आप एक दुकानदार भाई साहब हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन के इनके दुकान है, इनसे भी बात होगी। भोला गुप्ता जी से लाइव बात हो रही है। ये सामान आपके दुकान पे इतना भीड़ नहीं है जितना इस बाजार में भीड़ है भैया? क्या आपको क्या लग रहा है ये माहौल देख करके, ये जो अच्छा भैया, श्रद्धा आप लोग चिल्ला रहे हैं, श्रद्धा है, श्रद्धा है, कुछ लोग शौक से मना रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? मोबाइल खरीदना एक लाख की मोबाइल सेट करा रहे हैं, ये शौक। अच्छा, जब भी भैया से मैंने बात करता है तो भैया मुझे ही लतार देते हैं, और मेरे ही शर्ट पर आ गए और मेरे मोबाइल पर आ गए। ये इनसे भी बात हुई है कि ये शौक है नहीं श्रद्धा है, और लोगों से बात होगी कि भाई श्रद्धा सही है या शौक है। भैया आप लोग बने रहेंगे। चलिए, इस बाजार में आपको इतना भीड़ दिखाई दे रहा है, इतना भीड़ है कि ददरी फेल है, और ददरी फेल है। दुकानदारों और श्रद्धालुओं का कहना है कि बहुत महंगा है, लेकिन दुकान पर सामान कम दिख रहा है, और ऐसे ऐसे सामान है जिसका आप नाम भी नहीं जानते होंगे कौन सा फल है। आइए आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। राम फल है, आड़ू फल है, आलू फल तो देखे, आलू देखे होंगे, आड़ू फल क्या है? आइए आपको भी वीडियो स्क्रीन पर दिखाने का कोशिश करेंगे। भैया आड़ू फल का फल बताइए तो। आड़ू देखिए, आप ऐसे इस फल को देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन इसका आप नाम तो नहीं जानते होंगे। नाम वीडियो स्क्रीन पर मैं बता दूं, इस फल का लोग बता रहे हैं आड़ू, आड़ू फल इसे कहते हैं। एक राम फल भी है, उसको भी दिखाएंगे, आप लगे रहेंगे इस वीडियो स्क्रीन पर। आप सीता फल वगैरह और फल जितना भी फल होंगे आप देखे होंगे, लेकिन इस फल को भी देखे होंगे, इसका नाम आप लोग रूबरू नहीं, यानी जानकारी नहीं होगा। इस वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस फल को लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग दुकानदार भैया बता रहे हैं। राम फल, राम फल है ये, और आड़ू फल भी आपको दिखाए हैं। ऐसे ऐसे इस वीडियो स्क्रीन पर नए नए फल जितने भी इस बाजार में, इस दुकान में। और ये दुकानदार भैया एक बात आपको मस्ट बता दे, ये दुकानदार भैया कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जितने भी सामान लेंगे आप 10-5% छूट भी है, यही लोग आए और इस दुकान से अपना सामान ले जाए। बहुत जवान देखे होंगे, लेकिन ये है देश प्रेमी है और समाज प्रेमी, दोनों इनको कहा जाए तो ये कम नहीं है। और इनके मुस्कुराहट से आज लग रहा है कि इस बाजार का माहौल अब बदलने वाला है, और जो बाजार का माहौल गर्म है, इनसे पूछेंगे भैया आप लोग टहल रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं या श्रद्धा के साथ सामान ले रहे हैं? नहीं, श्रद्धा के साथ सामान लिया जा रहा है, छठ का बहुत बड़ा पर्व है जी। कृपया आप देख सकते हैं क्या क्या लिया भैया, इसमें फल है, जो भी फल छठ के पर्व पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, महंगाई पे बात हो जाए, लोग कह रहे हैं कि बड़ा महंग है, अब हम लोग पूरी सामान जितने छठ माता को लगता है हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, सब सामान नहीं ले रहा है, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई समय के हिसाब से होती है जी। और जो भी चीजें हैं ये काफी बहुत महंगा नहीं है भाई, अब लेकिन लोगों के नजरिए से महंगाई लग रही होगी उन लोगों को। चलिए भाई साहब ने बहुत बारीकी से कम शब्दों में आपको पूरे विस्तार के बता दिए, भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनसे बातें होंगी, आप वीडियो स्क्रीन पे बने रहेंगे। क्या कर रहे हैं भैया आप? भैया छठ का सामान बेच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्या क्या है?
सब कुछ है, घेगा है, नारियल है, पान है, सुपारी है, अगरबत्ती है, सब छठ माता में लगेगा। सब कुछ है छठ माता के लिए, अपना सब अपना है। हम लोग बाजार का माहौल गर्म, ये छठ व्रत की बाजार का आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये माहौल क्या है रतनपुरा बाजार में, जो छठ की दुकान लगी है उसकी माहौलें बता रहे हैं। अब कुछ घंटों में आप इस वीडियो स्क्रीन पे लगे रहेंगे, कुछ घंटों के बाद आपको ले चलेंगे उस जगह जहां अर्घा और लोग माताएं बहने जो श्रद्धालु लोग हैं छठ व्रत को जा करके गंगा अपने वेदिकाओं पर कुछ सुंदर सुंदर वेदिकाएं भी बनाए गए हैं, वहां भी आपको ले चलेंगे। आप बने रहेंगे कुछ घंटों के बाद आपको वहां लेके चलने वाले हैं जहां अर्घ और माताएं बहने वेदिकाओं की सुंदर सुंदर झांकियों के साथ आपको प्रदर्शित करती रहेंगी। इस दुकान पे इतना भीड़ है आपको वीडियो स्क्रीन में दिखा दें कि भीड़ यहां इतना क्यों है। ये केले की दुकान है, अब केले का दुकान है, केला सस्ता है या महंगा है यहाँ भीड़ से ही पता चल रहा है कि बाजार से है बहुत महंगा है। महंगा है यहाँ, यह महंगा है 50 रुपया। क्या भैया क्या करें? अरे कहाँ महंगा है, नहीं महंगा है, कहाँ महंगा है यार, लोग चिल्ला रहे हैं, हम तो कहे नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा महंगा है। 40,000 का जमीन 40 जो है ना, अरे जो 40 लाख में बेचा जा रहा है तब जो है महंगा। अच्छा एक बात आप बता दीजिए भैया, ये श्रद्धा से लोग मना रहे हैं या शौक से? अरे भाई श्रद्धा से मना रहे हैं, श्रद्धा से। अरे आज से है भैया आपके दुकान का सब बढ़िया है भैया। कैसे चल रहा है बिक्री? बिक्री सब बढ़िया चल रहा है। का कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है इस समय? सबसे इस समय सस्ता है तो संतरा है। महंगा है तो? महंगा है तो केला है। संतरा और केला, संतरा सस्ता और केला महंगा है? हाँ। कैसे दोनों का अंतर बताइए? संतरा का है तो 30 रुपये किलो बिक रहा है, और ऐसी का केला है तो 80 रुपये दर्जन बिक रहा है। आपका शिव मुनि यादव? अच्छा जा, छठ का इतना भीड़ भाड़ लागल, बड़ा भीड़ बटे देखा, आई कुछ छठ का सामान कुल ले जा, महंगा बा कि सस्ते उठा के सब जाता? महंगा बा हर साल से बेरी महंगा ज्यादा बा। अच्छा एक बात और हमको बताइए, महंगा है या थोड़ा थोड़ा सामान लेकर काम नहीं चलेगा? चलेगा हो गए। देखिए चाचा कह रहे थे कि बड़ा महंगा है कि सस्ता हो? नहीं, जो आम रेट चल रहा है वही चल रहा है इस समय। और ये केला वगैरह? केला 40-50 चल रहा है। लोग कहा था कि बड़ा महंगा बा। नहीं महंगा तो कोई बहुत नहीं है, वो तो आम हर टाइम 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो आप भैया बता रहे हैं कि आज किसी प्रकार का केला क्यों ले लिया जाए, एक छोटा सामान केला। आप लोग कह रहे हैं कि केला बड़ा महंगा है, लेकिन आप भैया दुकानदार साहब कह रहे हैं कि नहीं केला महंगा नहीं है, प्रतिदिन चलने वाला जो आए दिन चलता रहता है, रेट वही है 50 से 60 यही है ना? यही है। सेव का भाव? सेव का भाव 100 से 120 है। अनार? अनार 150 से 200 है। अब भैया के बताने के मुताबिक आप इस वीडियो स्क्रीन में देख करके समझ जाएंगे कौन चीज महंगा है, कौन चीज सस्ता है, और कौन चीज प्रतिदिन चलने वाला फल है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ठेंचा चट्टी का है, यहाँ बड़ा माहौल छठ पूजा को लेकर गर्म है, यहाँ पब्लिकों की भीड़ ज्यादा है, और आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे कौन सामान कैसे मिल रहा है। जैसे इस दुकान पे बहुत भीड़ है, कुछ फलों के रेट भी बताएंगे, कुछ फलों के नाम भी बताएंगे इस वीडियो स्क्रीन पे आप लोग। न्यूज इंडिया भैया आइए, ये आप लोग छठ की दुकान पे आए, हर साल से महंगा है या? ये जो नजारा दिखाने जा रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे तमसा तट ठेठा नदी का ये दृश्य है, यहाँ कुछ लोग हैं और आज छठ माता का व्रत महिलाओं द्वारा श्रद्धालुओं द्वारा व्रत रखी गई है, यहाँ वेदिकाएं कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ सज्जन लोग हैं जो बड़े मेहनत के साथ अपने ये वेदियां बना रहे हैं, अब इनसे बात होगी। ये कहाँ भैया, ये कौन सा जगह है? ठेंचा घाट है। ठेंचा घाट है, यहाँ हर साल हर साल पूजा होता है।
अच्छा, अभी तो यहाँ आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, केवल यहाँ सन्नाटा सुनसान है। कुछ लोग हैं जो अपने वेदिकाओं को बनाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर वेदिकाएं यहाँ आपको इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमसा तट ठैचा नदी है। क्या कर रहे हैं भैया आप? बना रहे हैं बेदी। बेदी शाम तक यहाँ लोगों द्वारा बताया गया है, आप सज्जन भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ शाम तक इतना भीड़ लग जाता है, इतना भीड़ लग जाता है कि यहाँ पैर रखने का कोई जगह नहीं है? नहीं जगह रहता है, नहीं जगह रहता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं भैया यहाँ तक? ये बहुत 10-12 गांव से आते हैं। ये कौन सा ठे घाट है? पिपरसात। हाँ, पिपरसात सभा में पड़ता है, पिपरसात ग्राम सभा। प्रधान जी कौन है? ये कौन हो? प्रधान प्रधान प्रतिनिधि है आप, राम अवध याजोदी द्वारा। ये जितने यहाँ के रेख देख, यहाँ के जितने भी सुंदरता, जितने भी कार्यक्रम लाइट से लेकर के और सर सफाई तक जो भी आपको इस वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम अवध यादव जी द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ सुंदर कुछ ही समय में, कुछ घंटों के बाद यहाँ इतना भीड़ लग जाएगा, इतना भीड़ लग जाएगा कि यहाँ लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है।